समाजवादी पार्टी भी आज चर्चा में नहीं है, कल थी, उसके पिछले दिन नहीं थी, उसके पिछले दिन थी, हर दिन नए वर्डिक्ट आ रहे हैं माहौल को बदलते हुए देखकर। गौरव भाटिया, जल्दी से बीजेपी का स्टैंड क्या है अगर प्रोफेसर राकेश सिन्हा या राज्यसभा का कोई भी सांसद प्राइवेट मेंबर बिल राम मंदिर को लेकर आता है तो? देखिए रोहित जी, राम मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनना है और संवैधानिक तरीके से बनना है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जीत हुई थी हिंदू समाज की और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, हमें विश्वास है जीत वहां भी हमारी होगी। लेकिन हाँ, और भी संवैधानिक रास्ते हैं, उस पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। जहां तक आपने कहा प्राइवेट मेंबर बिल में क्या स्टैंड रहेगा, प्राइवेट मेंबर बिल में क्या स्टैंड रहेगा ये पार्टी तय करेगी, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देखिए, आपकी चर्चाओं में हम आते हैं, लेकिन जब राम मंदिर पर चर्चा होती है तो चुनावी हिंदू राहुल गांधी और उनकी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। और वसीम जी ने बिल्कुल सही बात कही, प्राइवेट मेंबर बिल पे अगर चर्चा होती है तो सभी पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध होंगी कि वो एक स्टैंड ले, और वो स्टैंड लेंगी तो उनका जो घिनौना चेहरा है वो जनता के सामने आ जाएगा, वो चुनावी हिंदू है ये पता चल जाएगा। और कांग्रेस आपने कहा, कह रही थी कि क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है इसलिए वो नहीं आ रही, तो रोहित जी मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीआई के डायरेक्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था लेकिन राहुल गांधी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसके अलावा राफेल का मामला लंबित था उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जज लोया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ट्रिपल तलाक पे बाहर आके बार बार बोले और डिबेट पे आते थे। ये सारी बात ये है कि जब हिंदू समाज की बात आती है तो राहुल गांधी कभी खड़े नहीं होंगे। और जहां तक भाजपा की बात है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाए और संवैधानिक तरीके से अहिंसा पूर्वक। हालांकि मैं उनकी बात रखने के लिए नहीं हूं यहां पर, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूं, ट्रिपल तलाक पे आप कहते थे कि भाई कांग्रेस वाले भाग जाते हैं, आते नहीं है ट्रिपल तलाक पर। नहीं नहीं रोहित जी, एक मिनट, मैं आपको बताऊं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं आपको याद दिला दूं, मैं इसमें सुधार कर दूं, आप इतना तो मुझे इजाजत देंगे। ट्रिपल तलाक जब मामला लंबित था तो वो आते थे कि हम सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और आने दीजिए, और हमारे धर्म का अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग बात कहते हैं। जब फैसला आ गया और बात बिल पे आई तो जो है मैदान छोड़ के भाग। जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए, एक आप दूसरों का स्टैंड पूछ रहे हैं, अपना स्टैंड बता नहीं, मैं उनसे पूछूंगा। दूसरा, दूसरा आप अपना अनसेरेबल है, इन्होंने नहीं बताया। मैंने दूसरा, आपने क्या क्या सिंगुलैरिटी नहीं, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा बिल आएगा तब बताइए स्टैंड। मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने ये कहा कि अल्टीमेटली बिल भी किस लिए आ रहा है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। स्टैंड स्पष्ट है कि आपकी सहमति है उस बिल के साथ, चाहे संवैधानिक आपका हाथ है उस बिल के पीछे आके हो, हम लोग भव्य राम मंदिर वहां बनाएंगे। क्या बीजेपी उस बिल के समर्थन में है, आना चाहिए? अच्छा, आप रोहित जी आप ये बताइए, बिल अभी आया ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या बीजेपी बिल के समर्थन में है, आना चाहिए? बिल किस फॉर्म में है, क्या क्या उसमें डाले गए हैं क्लॉजेस, देखने के बाद ही तो तय होगा। रोहित जी हमारी इतनी बड़ी पार्टी राम मंदिर पर आपका इतना बड़ा स्टैंड है, उसके बावजूद आप पहले बिल के क्लॉज देखेंगे फिर तय करेंगे आपको समर्थन देना है? बेहतर बिल भी आ सकता है, हमारी आस्था का विषय है, आप मैं नहीं यहाँ पे कोई स्टैंड लूंगा क्योंकि ये पार्टी का क्षेत्र अधिकार है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, व्यक्तिगत राय रख, आप सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, संविधान की व्याख्या करने वाले लोगों में गिने जाते हैं देश में। मैं महमूद प्राचा के पास हूँ, उसके पहले आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संविधान के तौर पर आज की मौजूदा स्थिति जो राम मंदिर की जमीन की है सरकार के पास, जिसकी देखरेख का जिम्मा है, आप उसके अधिग्रहण के लिए या उस पर मंदिर बनाने के लिए संसद के जरिए बिल ला सकते हैं? मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, मैं विश्वास है वहां जीतेंगे। और दूसरी बात, संवैधानिक तरीके से चाहे वो अध्यादेश हो चाहे विधेयक हो, वो लाने की ताकत और पावर सरकार को दी गई है, तो वो इस्तेमाल करे या ना करे इस पर चर्चा चल रही है, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन चाहे सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हो, चाहे पार्लियामेंट के रास्ते से हो, और चाहे ऑर्डिनेंस आए, भव्य राम मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा। महमूद प्राचा बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं कि पहली बार नहीं, अब जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से बेनकाब और इनके सारे कपड़े उतर गए तो ये जनता के सामने नग्न खड़े हैं। इसलिए कल आपकी ही डिबेट में हमने संबित पात्रा जी और राकेश सिन्हा जी से सवाल किए थे कि आप कृपया कृपया अब देखिए 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 मुझे मैंने आपके लिए भी बोला था, बोलिए मत, सुनिए ध्यान से, सर रोक दिया ना आपको, और कोई भाषा समझ में भी नहीं आती आरएसएस के लोगों को, सुन लीजिए। आप कपड़े उपड़े उतारने पे मत जाइए ना, मुद्दे पे आइए, आप आपको शोभा देता बात ये है, आप दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट में, अरे मैं नहीं, ये खुद जनता ने उतार दिए इनके कपड़े,
अब सुनिए आगे, देखिए रोहित जी ऐसे भाषा पे बगैर मैं फिर जो है कपड़े जनता ने नहीं उतारे, आप लोगों को उन्होंने दिखाया है आपका घिनौना चेहरा। 19 प्रदेशों में जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, आपको बता दे रखते हुए भागिए। एक सेकंड गौरव जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, रुकिए रुकिए, मुझे इसी बात पे दुख है, रुक जाइए। आपका प्रश्न क्या था, हमारे कपड़े उतारने लगे, बताइए सर। एक सेकंड, एक सेकंड प्राचा जी, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, हमारा अच्छा रहता है अच्छे शब्दों में बात की जाए। बोलिए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए मुस्लिम पक्ष का वोट, ठीक है वसीम साहब, उन्होंने दुरुस्त करने के लिए हामी भर दी है, कल हम बोल दे कॉर्नर कर दिया था, एक कोने में आ गए थे, जवाब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं वकील अमित पात्रा जी को, वकील के अध्यक्ष राकेश सिन्हा जी को, तो आप राकेश सिन्हा जी ने मजबूरी में यह कहा था कि चलिए मैं ही बिल लाऊंगा प्राइवेट, मगर 28 साल हो गए आज 28 साल हो गए, क्या इन्होंने बिल का मसौदा, हमने कल भी पूछा था इनसे, क्या आपने कुछ तो सोचा होगा कि बिल का मसौदा क्या होगा, बिल का टाइटल क्या होगा, वो आज तक भी नहीं बता पा रहे राकेश सिन्हा जी। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई ऑफिशियली ये पॉलिसी है कि बिल नहीं लाना है, नाम ऑर्डिनेंस लाना है, इसीलिए इनको लाना पड़ रहा है, जो कि अभी एक नए नए सांसद हैं, अगस्त में सांसद बने हैं, और ये चुने हुए भी व्यक्ति नहीं है, नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं। नॉमिनेटेड व्यक्ति की चार कैटेगरी होती है, ये मुझे नहीं समझ में आता के किस प्रकार से ये ऑथराइज भी हैं इस बात को करने के लिए। अब वो सांसद हैं या नहीं है, तो स्पष्ट अब उसमें आपके सर्टिफिकेशन से बात पार्टी और पूरी आप कहीं नहीं जाएंगे। एक मिनट, वैसे भी महमूद पराचा जी, अब आप इस पे चले गए कि वो सांसद कैसे बने, उन्होंने कौन सा रास्ता लिया, भाई वो सांसद हैं, उनके पास बिल लाने का अधिकार है, आप बिल के मसौदे पे सवाल उठाइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये कपड़े उतारना, ये किस रास्ते से संसद में आए, इस पे मत जाइए ना, छोड़ दीजिए इस बात को। अब उनका सवाल ये है, बीजेपी को लाना, पराचा जी रुकिए, महमूद पराचा जी अब रुक जाइए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा, एक सेकंड भाई साहब, आप बोलिए, आवाज रुकिए, थोड़े डाउन कर रहे हैं आपके, बोलिए इनका देश की जनता के सामने एक्सेप्ट कर ली, हम राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, हमारे हम नहीं इस पोजीशन में बना रहे, देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे, मुझे इस बात से आपत्ति है भाई। अपने वकील को तो रोकिए, अपने वकील को बोलिए, मैं भी बोल रहा हूं, आपके पैनलिस्ट हैं, बोलिए ना, मैंने नहीं बुलाया, मुस्लिम पसला बोर्ड के वकील है, ही इज नॉट माय, मुस्लिम पसला बोर्ड के वकील है, ही इज योर गेस्ट, आप पसला बोर्ड की मान्यता नहीं मानते, नहीं ही इज योर गेस्ट, आप पसला बोर्ड को मानते हैं कि नहीं, लेकिन वो आपके गेस्ट हैं, सुन लीजिए बात, आई कांट से एनीथिंग ऑन, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसके मेंबर तो है ना कि नहीं है वो भी, या उससे भी आपने कह दिया कि मेरी पर्ची फट गई है, मैं हूं मैं, और तो मेरे उनसे प्रॉब्लम्स भी हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से बहुत सारी, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये तरीका सही है कि भाई कोर्ट के अंदर उनकी बातें कुछ और होंगी या टीवी पर कुछ और होंगी, इसलिए रुक जाइए थोड़ा सा, प्लीज प्लीज थोड़ा आप भी सुनिए ना सर, फलाही साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से आपकी बात सुनने के बाद, वो आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रुक जाइए, आपने जो बात कह दी वो मैंने नोट कर ली कि भाई बिल का कोई मसौदा नहीं है, बिल का नाम क्या होगा, बिल का टाइटल क्या होगा, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये चीज सामने रखें, इतना ही है आपका विषय ना, 28 साल से भलाई साहब बोले, अब सर हो गया ना, प्लीज प्लीज 28 साल तक बोलिए, देखिए अब इनको ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं बना पा रहे राम मंदिर, तो हमें माफ करो, आप जनता की देश की जनता से माफी मांग लो, आप नहीं बना पा रहे हो, आप आज भी अगर डिपेंडेंट हो सुप्रीम कोर्ट पर, तो समाजवादी पार्टी ने कुछ अलग कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट, मामला कोर्ट में चल रहा तो क्या, कोर्ट में चल रहा तो कोर्ट में आज आया है क्या, कोर्ट में आज क्या 1992 में कोर्ट में नहीं था, 89 में कोर्ट में नहीं था, सरकार ने तोड़ा था ढांचा, सरकार ने तोड़ा सरकार, था तो सरकार में आया, सरकार नारा लगा रही थी, कांग्रेस सरकार पत्थर चला रही थी, सर आप तो बोलिए, सरकार पत्थर चला रही थी क्या, क्यों नानाजी देशमुख, सरकार पत्थर चला रही थी क्या, नानाजी देशमुख ने क्या कहा था, देशमुख मंत्री थे क्या, अनफॉर्चुनेट अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, इट वाज अनफॉर्चुनेट अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा लेके चढ़े हुए थे क्या, मुकेश अंबानी जी ने क्या कहा था, मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सर मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि भाई रेफरेंस क्यों नहीं ला रहे, अरे एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट में कैसे लाएंगे, दूसरी तरफ पूछते हैं क्यों नहीं ला रहे, क्यों वादा किया था इन्होंने, जब अगर इनको ये पता था कि कोर्ट का केस है तो क्यों जनता को बनाया, जवाब दीजिए, नहीं देश की जनता को क्यों बेवकूफ बनाया, जवाब लीजिए, पूछने के बाद बोले गौरव भाटिया जवाब दीजिए, अच्छा देखिए ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप स्टैंड नहीं ले सकते, आपकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है, आप स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जो कार्य करे वो संविधान के तहत करे, और विधेयक लाना रोहित जी, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में सौहार्द बना रहे, लास्ट रिजॉर्ट होगा विधेयक लाना, और क्योंकि हम लोग उच्च न्यायालय में जीत रहे हैं इसलिए हमें उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय में भी जीतेंगे। मेहता जी क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि स्टैंड लेने से तात्पर्य है कि बस अपना माहौल बना रहे, काम बने ना बने,
नहीं बट ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग, मुझे मुझसे जवाब दीजिए सर, वो विश्लेषण करेंगे ना इस बात। रोहित जी मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा, चाहे अलोक जी के बाद एक थर्ड पार्टी है, मैं कह रहा हूं अलोक जी के जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, वो केवल एक विश्लेषक के तौर पर इस बात का विश्लेषण करेंगे। स्टैंड लेने का मतलब क्या होता है, क्या स्टैंड लेने का मतलब ये होता है कि हमारा माहौल बना रहे, काम बने ना बने। बोलिए। देखिए रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ये है, इस समय चुनाव आ रहा है तो मुद्दा तो बना रहे राम मंदिर, और जनता चूंकि पूछती है कि भाई कब बना रहे, जो अभी दूसरे मित्र भी पूछ रहे थे, ये सही है कि देखिए प्राइवेट में आप थोड़ा सा बार बार कहे क्या क्लॉज होगा, मेरा ख्याल है भाटिया जी जानते होंगे। देखिए यदि चार लाइन का प्रस्ताव, मैंने कई ऐसे निजी विधेयक देखे हैं संसद में, मैं भी वर्षों से कवर करता रहा हूँ, उसमें क्या है, वो एक प्रस्ताव ला सकते हैं भाई उस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। खाली इसमें सवाल ये है कि वो अधिग्रहण करने की बात आएगी, अदालत में मामला है, प्रस्ताव वो लाएंगे नहीं। मैं ये पूरी बात सुनी ना, मेरा मतलब एक तो दूसरा जो अभी कहा गया ये सही है कि वो अभी ये निश्चित नहीं है कि अभी उन्होंने, वैसे एक समय सीमा होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नामजद सदस्य भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक है वो विचारों से वो संघ के हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन यदि वो एक नामजद सदस्य के नाते लाते हैं जो सुब्रमण्य स्वामी साहब तो कब से कह ही रहे हैं, हो सकता है कि पांच मेंबर ऐसे ही मिलकर के एक चार लाइन का प्रस्ताव रखें, वो तो कह रहे थे 250 संतों से बात, और उससे उन चेहरों को मान लो 250 से करें उन, ये सही है कि उद्देश्य क्या है कि राहुल गांधी जी और दूसरी पार्टियां इवन समाजवादी पार्टी भी कई बार तो कहती है भाई ठीक है मंदिर बनना चाहिए। अब ये सवाल है कि संसद क्या टकराव फिर चाहेगी, सीबीआई से टकराव, रिजर्व बैंक से टकराव, उसके बाद सरकार क्या ये टकराव चाहेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला फैसला होने से पहले ठीक है वो एक बिल संसद में पास कर दे, उसमें सरकार इसलिए बच जाएगी, बीजेपी बच जाएगी कि वो एक निजी विधेयक की तरह से पास कर रहे हैं, वो ये सही है कि वो एक विधेयक की तरह पास कर, जैसे प्रस्ताव पास करते हैं। और एक लाइन बोलूंगा, असली एक और झगड़ा है प्रवीण तोगड़िया जी ने जो अपनी दुकान चला ली है, जो इतने दिनों से जो दबाव बना रहे हैं, 25 तारीख को उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं, ये उसका भी जवाब है, ये स्ट्रेटेजी के तहत भी होगा कि भाई प्रवीण तोगड़िया के वो उनके पास कुछ उनका रहा नहीं, वो इतने साल तक खाली अपना घुमाते रहे, उनको केवल सरकार पर दबाव बना के अपना विश्व हिंदू परिषद एक दूसरा पैरेलल खड़ा करके उसको भी काउंटर एक तरह से संगीत रागी जवाब दीजिए, उसके बाद संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं। देखिए मैं दो बातें बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। पहली बात रोहित जी, जब संस्थाएं चूकती हैं तो समाज अपना रास्ता तय कर लेता है। 1992 में भी समाज ने रास्ता तय कर लिया था। मोहम्मद पराचा कह रहे हैं कि बिल का नाम बताओ, एक प्लीज हस्तक्षेप मत कीजिए, मैंने कभी ये नहीं किया, आप हैरान क्यों रहे, आप प्लीज, मैंने आपको सुना है, जब मोहम्मद पराचा कह रहे थे कि बिल का नाम बता दीजिए, अरे कभी चर्चा होकर के पूरे के डिबेट में पहले यहाँ नाम बताना आवश्यक नहीं होता है, होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ढांचा गिरने के बाद वहाँ पर मंदिर जो था उस पर अर्चना समतल करके बन गए थे, समाज ने अपना रास्ता तय किया था। यदि संवैधानिक संस्थाएं यदि चूकती हैं तो ये मत भूलिए कि समाज अपना रास्ता तय करने में, मंदिर बनाने में बहुत देर नहीं लगी। गिरिराज जी में कोई फर्क नजर नहीं आता मुझे, दो चीजें गिरिराज जी में, नहीं नहीं मैं फर्क नजर नहीं आ रहा, हम तो कह रहे हैं कि फैलाने की बात कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की, मैंने यही सवाल पूछा जो आप बोल रहे हैं, बस वही बोल रहे हैं, अगर आप सुनते मेरी बात मौलाना साहब तो सवाल वही था। आप एंकर नहीं है, मेरा सवाल ये है, जिस प्रकार से महमूद पराचा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपने संघ के लिए किया है, कपड़े उतारना मत भूलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल्स के बीच में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा साहबुद्दीन के संविधान के मानने वालों के बीच में लड़ाई बंद करवा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारी तरफ है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, कि राम मंदिर मुद्दा पर होगा तो लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च करेंगे, भारत की पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, शॉर्ट मार्च बंद हो गए थे इस धमकियों में, इसलिए ध्यान रखिए ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई राम मंदिर का मुद्दा जो है, जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें धमका नहीं सकते, लड़ाई है ये देखेगा, आपके वकील साहब भी कौन सा चुप हो रहे हैं, थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो बैठक चल रही है, कल बहुत कुछ तय हो, ओके चलिए कल बहुत कुछ तय हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जब बात यह है कि संसद के जरिए करनी है चीजें, प्राइवेट मेंबर बिल लाना है, संविधान विशेषज्ञों से हमने पूछा कि क्या यह संभव है, उनका विचार क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। इस
संबंध में मेरा ये मानना है कि चूंकि एक टाइटल डिस्प्यूट है पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो क्या प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे आप? उसके उसके वो जो लैंड है उसके नीचे, उसको अक्वायर करने के लिए तो कोई बिल आ नहीं सकता, क्योंकि वो लैंड तो ऑलरेडी सरकार की है, 1992 में अक्वायर हो गई थी, तो अब सरकार अपनी लैंड को दोबारा क्या अक्वायर करेगी? तो ये बिल सेल्फ एक्विजिशन के लिए तो फिर आ ही नहीं सकता ना, बेकार की, ये तो हमारे ख्याल से बेकार की बात है। अब अगर एक्विजिशन नहीं हो सकता तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग है, टाइटल डिस्प्यूट। अच्छा, पिछले एक्विजिशन में प्रावधान ये है कि गवर्नमेंट उसको ओनरशिप रहेगी, मैनेजमेंट करेगी जब तक कि टाइटल सूट तय नहीं हो जाता, तो वो तभी हुआ नहीं। अब अगर प्राइवेट मेंबर बिल ला के या सरकार ऐसा कोई प्रावधान ऑर्डिनेंस की जैसे चर्चा चल रही थी करती है कि नहीं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप हाईकोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट के जजमेंट को आप कैसे ओवरराइड करोगे बाय एन ऑर्डिनेंस? ओवरराइड करने का एक प्रक्रिया है, एक उसकी संवैधानिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक आप कर नहीं सकते। आप केवल ये कहोगे कि हम क्या मंदिर वहाँ बनाएंगे, इसके लिए बिल लाओगे, तो मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे संविधान में जैसा कि है वो ऐसा कोई कानून बन सकता है, या लेजिस्लेचर जो है ऐसा कोई कानून बना सकती है जो कहे साहब हम मंदिर। तो सुना आपने, संविधान विशेषज्ञ बता रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल लाके भी राम मंदिर बना लेना कोई खाला जी का घर नहीं है, ये भी बड़ी टेढ़ी खीर है, उसमें भी बहुत सारे पेच हैं। तो इसका मतलब तो वसीम रिजवी, ये मौलाना फलाही और जो भाई साहब पराचा जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केवल माहौल बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि जानते ये भी हैं, संविधान विशेषज्ञों से सलाह इन्होंने भी ली होगी कि साहब इससे चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। ये झूठ बोल रहे हैं जी, मैं एक बात बता दूं, ये झगड़ा 18वीं सदी में शुरू हुआ। 18वीं सदी में रोहित जी जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो जो वो उस पर विवादित ढांचा था उसको गिराने की बात शुरू हुई। अंग्रेजों के जमाने में आधा विवादित ढांचा गिराया जा चुका, उसके बाद अंग्रेजों ने उसको फिर बना दिया, और उसके बाद 92 में इसको फिर गिरा दिया गया। अब आप एक बात देखिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी आस्था की, जो एक पानी का एक दबाव है, नहर या बहता हुआ पानी रोका नहीं जा सकता, आस्था उसी की तरह है। आपने उसको विवादित ढांचे को वहां पर किसी भी तरह से बातचीत के जरिए, किसी भी तरह से 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक नहीं हटाया, लेकिन आस्था जो था, जब उसका आस्था का प्रेशर बढ़ता गया तो पानी पानी का रास्ता अपना बनाकर विवादित ढांचा गिरा दिया गया। बार बार घूम के वहीं चली जाती है, सवाल तो बार बार यही पूछा जाता है, भाई आपको बाबर की पूजा क्यों करनी है? यही सवाल पूछा जाता है, रामचंद्र मस्जिद कह रहा हूं, अल्टीमेटली तो सवाल यही पूछा जाता है ना, मैं तो कह रहा हूं रामचंद्र मस्जिद। तो अब दिक्कत यह कि आपके अंदर भी इतने सारे धड़े, आप एक नाम रख के बैठ जाते हैं, दूसरे मौलाना आते हैं वो दूसरा, तीसरे मौलाना आते हैं तीसरा, चौथे मौलाना आते हैं, संविधान के जोर पे बनाएंगे क्यों? आपको इतने सारे धड़े हैं, आपको बाबरी से भी आपत्ति है, सारे धड़े आपको रामचंद्र से भी आपत्ति है। रामचंद्र की तो मस्जिद नहीं थी ना, उनका तो मंदिर था, जिसको बाबर ने तोड़ा ये आरोप है, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अदालत ने मान लिया कि वह मंदिर था, संविधान विशेषज्ञ ने क्या झगड़ी, रोहित जी ने बहुत गलत बोला, रामचंद्र मस्जिद नहीं हो सकता, रामचंद्र का मंदिर वहां हो सकता है, ये बार बार कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ की इन पे तो फतवा आ जाएगा, इस बात पे आप परेशान हो रहे हैं, इस बात को लेकर परेशान नहीं हो रहे रोहित मस्जिद कैसे कह दिया, क्यों? ये तो अल्लाह का मंदिर होगा, उन्होंने कभी कहा अल्लाह का मंदिर होगा? एक मिनट, नहीं नहीं, मैं ये सब क्या है, ये हिंदू समाज की भावनाओं का कभी भी ध्यान नहीं रखते, इस तरह की अनर्गल बयान देते रहते हैं। आपको जब बाबरी बोला था, नहीं मेरी बात कंप्लीट, पहले मैं तो मेरी मेरी अभिव्यक्ति आप पहले बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन मेरी अभिव्यक्ति की आजादी आप नहीं छीन सकते, बाबर को एंडोर्स कर रहे हैं, जब उसी चीज को अच्छे नाम भलाई साहब आप बाबर को एंडोर्स करते हैं, बाबर एट ऑल एक मौलाना आके छाती पे कहते हैं कि औरंगजेब पे हमें गर्व है, ये आके कहते हैं हम इंडोर नहीं करते, आप तो बिल्कुल सही कहा, इनके हार पूछा है जवाब देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जितनी तुष्टि रोहित साहब महमूद राजा फलाही साहब ने बोला बात में जवाब दे दे, अभी समय दिया है उतना सम्मान मुझे भी दीजिए, जब आपका कोई सम्मान हमारी बात छोड़िए, जिम्मेदारी है कि सम्मान आरएसएस और बीजेपी राम भक्तों को क्यों धोखा दे रही है, क्यों चल रही है ये बताइए। चर्चा जो हो रही है, प्राइवेट मेंबर बिल आएगा उसके प्रावधान देखे जाएंगे, पार्टी अपना स्टैंड
तय करने की, लेकिन एक बात जरूर हो जाएगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है, जो मुसलमानों को वोट बैंक मांगती है, उनको एक पक्ष लेना पड़ेगा, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात मैं आपसे एक बात पूरी कर लूं, मौलाना साहब, या तो एक काम करिए, यहाँ बैठे जितने सवाल, मेरे पास सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया, अगर आपके लिए ये आस्था का मुद्दा और किसी भी चीज से बड़ा, तो आप बार बार राहुल गांधी का मुंह क्यों ताकने लगते हैं भाई, कि राहुल गांधी किस पे क्या स्टैंड है, ना उनका स्टैंड हो ना हो, सरकार आपकी है, एक मिनट, संसद में बहुमत आपके पास, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर राहुल गांधी का मुंह क्यों ताकते हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। गांधी का मुंह इसलिए नहीं ताकते कि भगवान राम का मंदिर राहुल गांधी बनाएंगे, भाजपा बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, लेकिन हमें उजागर ये भी करना है कि किस तरह से एनआरसी आप बना दीजिए, वो तो उजागर हो जाएगा ना अपने आप, तो आप बनाने की दिशा में कोई बढ़ाई उजागर हो जाएगी, प्रधानमंत्री बनाइए, फिर वो देखेंगे क्या करना है। मैं एक बात क्यों उठाता हूं, भाजपा क्यों उजागर करती है, कि आप कहते हैं मुस्लिम पार्टी ट्रिपल तलाक पे आप चुप हो जाते हैं, अध्यादेश हम लोग लाए ना, क्योंकि हमें मुस्लिम महिलाओं की चिंता थी, एनआरसी राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, राहुल गांधी चुप है, अरे टोपी पहनो और देश को टोपी पहनाओ, इस राजनीति को उजागर करना है और खत्म करना है। और दूसरा, चुनावी हिंदू बन बन के तुम मंदिर मंदिर जाते हो, लेकिन जब भगवान राम का मंदिर आती है तो आपके प्रवक्ता गायब हो जाते हैं। आपको रोहित जी भाषा नजर नहीं आ रही है, कहना चाह रहे हैं रोहित जी, ये कौन सी भाषा, टोपी पहन रहे हैं, पैंट उतार नहीं रहे हैं, आपकी तरह टोपी पहना रहे हैं, पैंट उतार नहीं रहे हैं, टोपी पहनाना फार्मूला है, और ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना, टोपी पहनाना मुहावरा है भैया, मुहावरा है, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, आप तो कपड़े उतारने लग गए थे प्राचा साहब, आरएसएस वालों को प्राचा साहब, प्राचा साहब जनता का परिचय दे रहे थे राष्ट्रीय, आप लोगों को बात समझाने के लिए प्रयोग करता हूँ, अलग एंट्री है क्या डिबेट में, कमेंट लूंगा उसके बाद आपका कमेंट दूंगा, आपको बता साफ साफ, आपने जो आलोक जी बोलिए, और पराचा साहब अब की बार आप बीच में चिल्लाएंगे तो फिर आवाज बंद कर देंगे, आप चाहे नोटिस भेजिए कुछ भी करिए प्लीज, आप मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ, आपको मौका मिल रहा है, फिर भी आप लगातार हर व्यक्ति के ऊपर बोल रहे हैं, तो दे बोलने का प्लीज, आप बोल रहे हैं और पर्याप्त से ज्यादा बोल रहे हैं, जितना समय मुकर्रर है उससे ज्यादा बोल रहे हैं आप, फिर भी आप कह रहे हैं ये विक्टिम मत प्ले किया कीजिए मेरे सामने प्लीज। आलोक जी अपनी बात बोलिए। रोहित जी अभी आपने देखी जो बात उठाई, बहुमत संसद में नहीं है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत अभी पर्याप्त नहीं है, इसलिए और विरोधी दलों का समर्थन आपको चाहिए, विरोधी मतलब जो भी दूसरी पार्टी बैठे हुए हैं, एक तो उनका समर्थन चाहिए, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सच में जो आप पूछ रहे हैं कि यदि जब इच्छा थी तो लोकसभा में ला सकते हैं बिल या अध्यादेश, एक अध्यादेश जरूर, एक बार बार कहा जा रहा है कि अध्यादेश ही ले आए, उसमें पेज खाली है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बाद भी आपको अध्यादेश की संसद में बाद में स्वीकृति लेना होती है, तब वहां भी बहुमत नहीं है, तो अगले चुनाव में आपको भारी बहुमत मिल सके ये भी इस रणनीति का एक हिस्सा है, कि जनता देखिए हम अभी चूंकि बहुमत नहीं है, हमने बिल लाया, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, समाजवादी नहीं दिया, कह रहे हैं कि ये असल में चुनाव के लिए ही माहौल बनाया, 2019 के लिए माहौल बना के जनता का व्यापक समर्थन लाना और सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से दबाव भी होगा मानसिक रूप से। ठीक, बोलिए मौलाना साहब क्या करें। देखिए आपको इन सब से, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी का क्यों मुंह तक रहे हैं, समाजवादी का क्यों मुंह तक रहे हैं, उन्होंने वादा किया था क्या देश की जनता से कि हम आपको राम मंदिर बना के देंगे, दिक्कत यही ना, आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, इनके ऊपर सवाल कर रहा हूं जो आपके मन में नहीं, व्हेन व्हेन ही इज एक्सपोज नाउ कि हम ना तो राम मंदिर बनाएंगे, ना ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, ना बिल लेकर आएंगे, सिर्फ 2019 के हिसाब से वोट का पोलराइजेशन करना है, हिंदू मुस्लिम को बांटना है, हमें हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलना है, और उनकी भक्ति की इतनी चिंता है, आप लोग क्यों नहीं हाथ पीछे खींच लेते और कहते हैं क्योंकि राम जन्म स्थल यहाँ था, बना लीजिए मंदिर, इतनी बार पूछ रहे हैं, आप हक छोड़ दीजिए उस तीसरे हिस्से पे, क्यों आप बोल रहे हैं, आप तीसरे हिस्से पे हक छोड़ दीजिए, निर्मोही अखाड़ा को तो कन्विंस करें, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को करेंगे, आप बोलिए ना कि तीसरे हिस्से पे दावा छोड़ दे, निर्मोही अखाड़ा कह रहा है कि हमें विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है, आप मुझसे कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को, भाई मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आपका सवाल का जवाब, आप टोपी ट्रांसफर आप भी कर रहे हैं, आपसे मैंने सवाल पूछा, आप वक्फ बोर्ड से कहिए अगर आपको इतनी भावनाओं की चिंता है तो उनसे बोलिए कि दावा वापस ले लें, छोड़ दे वो जमीन, निर्मोही अखाड़ा को ये ले लें वापस, क्यों ले लेगा निर्मोही अखाड़ा, तो कह रहा है कि रामचंद्र जी वहां पैदा हुए थे, मंदिर बनाओ अगर हमको वापस ले लें, आपको अगर पीछे करने के लिए कह रहे हैं तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि उनकी जमीन है, वो उनका दावा है वहां पर, हमें इन पे विश्वास नहीं है, निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा है, रोहित जी अब आप बताइए, देखिए एक्सपोज समाज
मौलाना सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप चले जाते हैं निर्मोही अखाड़ा के पीछे, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल जवाब दे रहे हो, सुन लीजिए, राम मंदिर ये नहीं बनाने वाले, ठीक है, ये नहीं बनाएंगे। आप ज्योतिषी भी हैं, आप ज्योतिषी भी हैं, हाथ हाथ भी देखते हैं, कुछ आपके असेसमेंट होते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों के 100 करोड़ लोगों की देखिए, ये एक्सपोज कर रहे थे। इस चर्चा में एक परेशानी क्या है कि ये कोई सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होता, जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता, तो उससे चर्चा हो सकती थी कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप क्यों जो है अपोज कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? और आप बताइए, कांग्रेस का मैं क्यों जिक्र बार बार करता हूं, उनके ही जो सबसे वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल जी, कोर्ट का ऑर्डर है, इनफैक्ट अ नोवल प्रेयर वाज एडवांस्ड दैट द मैटर शुड बी लिस्टेड सम टाइम इन 2019, और उसके बाद उनको डांट लगाई। कांग्रेस नहीं चाहती कि मंदिर बने, और अगर सर्वसम्मति है तो कल ही निर्माण हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, तो नहीं पहले घंटे में वहां पे पहली ही रख दी जाएगी। जल्दी बोलिए, महमूद प्रचा साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। संगीत रखिए, छोटा सा कमेंट जल्दी। देखिए रोहित जी, ये लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई मंदिर और उस विचार की है जो बाहर से आए हुए आक्रांताओं के साथ अपने आप को खड़ा करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।